हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईक्यू फ़ोन है तो आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में आईस प्रोटेक्शन शेड्यूल है तो आई प्रोटेक्शन शेड्यूल को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में आई प्रोटेक्शन शेड्यूल है तो आई प्रोटेक्शन शेड्यूल को आप कैसे सेट करेंगे, सिंपल आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है शेड्यूल। शेड्यूल सर्च करते हैं तो आपको आई प्रोटेक्शन शेड्यूल शो कर जाएगा, जहाँ से इसको आप सेट कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास थ्री ऑप्शंस आते हैं, जैसे सनसेट एंड सनराइज। तो सनसेट एंड सनराइज शेड्यूल को हमने सेट कर दिया है, तो इसमें सनसेट में हमारा जो सनसेट में जो हमारा आई प्रोटेक्शन मोड है ऑन हो जाता है और सनराइज में हमारा ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको क्लिक करते हैं कस्टम टाइम, तो यहाँ से आप स्टार्ट टाइम जो भी टाइमिंग के हिसाब से शेड्यूल को स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑफ़ करने का टाइम भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, कब ऑफ़ करना चाहें उसका भी टाइमिंग आप सेट कर पाएंगे यहाँ से। तो इस तरीके से आप आई कम्फर्ट पर शेड्यूल को सेट कर सकते हैं और सेंसिटिविटी को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई प्रोटेक्शन शेड्यूल को सेट कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन में। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर भी आई प्रोटेक्शन शेड्यूल्स को सेट कर सकते हैं। जैसे आपको डिस्प्ले पे जाना है, डिस्प्ले पे जाकर भी आप शेड्यूल को सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन में जो डिस्प्ले सेटिंग्स है वहाँ पर भी शेड्यूल सेट हो जाता है, शो हो जाता है, जिसको आप सेट कर पाएंगे आई प्रोटेक्शन शेड्यूल को। तो इस तरीके से आई प्रोटेक्शन शेड्यूल को सेट कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।